السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة صحيح الباني

बंदों के अमाल में से सबसे पहले किस अमल के बारे में सवाल होगा नमाज के बारे में नमाज जो कायम करते हैं हम और जो नमाज अदा करते हैं ख़ास तौर तो से जमात के साथ तो जमात के साथ नमाज अदा करने में सफ़बंदी का अहतमाम बहुत ज़रूरी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस में बाकायदा बयान किया कि नमाज से पहले सफ़ों को दुरुस्त करना ये भी नमाज के क़ायम करने में से है और अल्लाह के नबी वम ने सफ़ दुरुस्त करने से मुतक़ एक ऐसी फजीलत बयान की है कि अगर हम उसको समझ जाएँ तो इन श्ला हमारी नमाजों में हमारी सफ़ें दुरुस्त हो जाएंगी आयशा रज़ील् ताल से मरवी है वो बयान करती हैं कि महमदुर रसोल वसम ने फ़रमाया मनजतन बनू बेतन फिलजन्ना जिसने सफ़ में ख़ाली जगह को पुर कर लिया या जिसने सफ़ में खाली जगह को पुर कर दिया अपने जरिया तो अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बना देगा और उसके एक दर्जे को भी बलन फरमा देगा कितनी प्यारी हदीस है आज हमारे समाज और माशरे में बहुत सारी मस्जिदों में दो आदमियों के बीच में जगह खाली रहती है सब का एहतमाम नहीं होता और कहीं सब बंदी का एहतमाम होता है तो लोग अपने पैर की उंगलियां या अपने पैर की उंगली अपने भाई के पैर की उंगली से मिला देते हैं बराबर सब बंदी नहीं होती सब बंदी का सही तरीक़ा क्या है सही बुखारी की हदीस है रावी हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकीम सफ़ूक अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो वराए ज़हरी मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूं यह नमाज के साथ खास है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ उसके बाद रसूल बयान करते हैं नसवी मालिक रजील कहते हैं फरमाते मन की बहु बे मन हु बकदम हु बकदम हु। की बे साहब ही वे कदम ही यह हदीस अल्लाह के नबी वम ने बयान फरमाई साहब इक्राम ने सुन लिया कि सफ़ों को दुरुस्त करना जरूरी है तो एक सहाबी अपने सहाबी के कंधे से एक सहाबी अपने भाई के कंधे से अपना कंधा मिला लेता और अपने भाई के कदम से अपना कदम मिला लेता था। यानी ये यह तरीका था सहाबे क्राम का नमाज में सब बंदी का इससे पता चलता है कि सफबंदी का सही तरीका यही है कि जब हम नमाज में जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो हमारा कंधा हमारे भाई के कंधे से मिला होना चाहिए हमारा कदम हमारे भाई के कदम से मिला होना चाहिए इसी तरह सुन की रवायत में अल्लाह के नबी वसल्लम ने बयान किया अकीम उफूफ नमाज से पहले अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो और उसके बाद फरमाया वहादेन मनाब और अपने कंधे अपने भाइयों के कंधे के बिलमकब रखो आगे पीछे खड़े ना हो और उसके बाद फरमाया वलीनु बेदी अखवान कुम और अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ और एक बात और आपने बयान की खलल खाली जगह को पुर करो जो खाली जगह है उसको पुर करो और खाली जगह कब होती है एक सफ जब मुकम्मल होने वाली होती है अभी उसके अंदर एक आदमी की गुंजाइश है पीछे दूसरी सफ़ लोग शुरू कर देते हैं दूसरी सब शुरू कर देते हैं और अभी एक सफ़ मुकम्मल नहीं होती है उसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुद्दुल खलल अपनी सफ़ों में जो खाली जगह है उसको पुर करो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत में बाकायदा वहीद भी बयान किए कि सफ़ों को दुरुस्त करोगे तभी तुम्हारी नमाज दुरुस्त होगी और अगर सफ़ों को दुरुस्त नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तलाफ डाल देगा तुम्हारे दिलों के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है खुलासे कराम ये कि हम सब की जिम्मेदारी है कि नमाज बाज़मात खड़ी हो रही हो उस वक्त हम अच्छी तरह से अपने भाई के कदम से अपना कदम और अपने भाई के कंधे से अपना कंधा मिला ले और इस फजीलत को याद रखें कि अगर कहीं सप में जगह खाली है और हम उसको पुर कर सकते हैं तो हमें इसमें सबकत करना चाहिए क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुरहुबन जिसने सफ़ में खाली जगह को पुर कर दिया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा और उसके एक दर्जे को भी बुलंद फरमाएगा अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम तो मुसलमानों को अपनी नमाज़ों में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करने अपने भाई के कदम से अपना कदम और अपने भाई के कंधे से अपना कंधा मिलाने की तौफीक तो कदा फरमा और ईमान के साथ नसीब फरमा आमीन व अलैकुम व वालिकमल